वेलकम बैक टू जागो लाहौर जनाब. आज का टॉपिक हमारा होने वाला है, मैं पहले ही इन्फॉर्म कर दूँ, बहुत सारे बुजुर्ग लोग भी देखते हैं, माँ बाप भी शो देखते हैं, बिल्कुल ऑफेंड नहीं होना. आज हम एक जनरल डिस्कशन करने वाले हैं लव मैरिजेस एंड अरेंज मैरिजेस के हवाले से. आइडियली अब यही कहा जाता है कि वालिदैन की पसंद होनी चाहिए, लेकिन चूँकि अब हम बदलते हुए दौर की भी बात करेंगे, तमाम तर फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे, किसी चीज़ को हम प्रमोट नहीं करेंगे, किसी चीज़ को हम डिग्रेड नहीं करेंगे, लेकिन हम बैलेंस लेकर चलेंगे. तो उसके लिए हमारे साथ मौजूद होंगी डॉक्टर ताहिरा रुबाब जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं, और इरम बुखारी हमें ज्वाइन करेंगी जो कि सोशल वर्कर भी हैं, पॉलिटिकल वर्कर भी हैं. और दोनों को वेलकम करते हैं. कैसे हैं आप दोनों? तैयार हैं आप दोनों आज डॉक्टर ताहिरा कुछ बुरा भला सुनने के लिए? हो सकता है कोई लाइव कॉल कर. अच्छा, लाइव कॉल्स भी हम लेंगे क्योंकि हम जनरल पब्लिक की परसेप्शन भी जानना चाहेंगे कि उनकी इस टॉपिक के हवाले से या इस डिस्कशन के हवाले से क्या इनपुट रहने वाली है. हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर होगा, आप कॉल कर सकते हैं. डॉक्टर ताहिरा, सबसे पहले तो मैं आपकी जानिब आऊँगी. लव मैरिजेज एंड अरेंज मैरिजेज, हम नॉर्मली अब बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं, दोनों कंडीशंस अपनी सोसाइटी में हम ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन कुछ में पॉजिटिविटी नज़र आती है कुछ. ट्रूली दोनों ही चीज़ें हम देखते हैं कि हमारी सोसाइटी का हिस्सा, और बदलते दौर के ऑफकोर्स तकाजे जो हैं उनको भी पूरा करना पड़ता है. पेरेंट्स को खास तौर पे बहुत वो आउट ऑफ द वे जाके अपने बच्चों के लिए. बट द थिंग इज दिस के लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, असूल ये है कि मैरिज को मैरिज एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक अच्छा रिलेशनशिप समझ के उसको निभाने की कोशिश की जाए. और क्योंकि हमारी सोसाइटी में वैसे ही शादी को लिया जाता है कि टू फैमिलीज में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो मेरे ख्याल में अगर लोग अरेंज मैरिजेस की तरफ जा रहे हैं तो मैं खासतौर पे पेरेंट्स को ये बात ज़रूर कहूँगी कि आप, जैसे हमारा पहले भी एक दिन प्रोग्राम हुआ था तो उसमें भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जब आप अपने बच्चे के लिए पार्टनर ढूंढने लगें, बेशक आप अपनी मर्जी से ढूंढें, बेशक आप की पसंद उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेरेंट्स के साथ भी बच्चों ने रहना होता है और नए आने वाले फर्द ने भी रहना होता है, मगर ये कोशिश ज़रूर कर लें कि अरेंज मैरिज में भी आप अपने बच्चे को ज़रूर समझने की कोशिश करें कि उसको पार्टनर कैसा चाहिए. क्योंकि बहुत सारे लव मैरिजेस, अरेंज मैरिजेस मैं देखती हूँ अपनी डे टू डे जो मेरी प्रैक्टिस है उसमें, कि लोग आते हैं वो कहते हैं कि जी अरेंज मैरिज है, फैमिली तो खुश है, मगर वो बंदा जिसके साथ उसकी शादी हुई है वो खुश नहीं. और दूसरा मैंने एक और बड़ा रवैया देखा है लोगों में कि जी वो ये समझते हैं कि ठीक है अब क्योंकि शादी घर वालों ने की है तो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, यानी वो खुद उतनी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं ले रहे होते उस ताल्लुक को बढ़ा अच्छा करने की. कहीं कुछ बुरा होता है तो वो फौरन अपनी फैमिली के ऊपर डाल देते हैं चीज़ें. ऑन द अदर हैंड जहाँ पे हम लव मैरिजेस की बात करते हैं तो उसमें भी बहुत सारी खामियां और अच्छाइयां भी हैं, मगर फिर भी मैं ये कहूँगी क्योंकि पेरेंट्स हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट. नो डाउट. अगर आप लव मैरिज भी करना चाहते हैं तो टेक योर पेरेंट्स ऑन बोर्ड ताकि आप अच्छे तरीके से सारी चीज़ें जो हैं वो कर जाएं. खैर, ये लव मैरिज और अरेंज मैरिज हमारी सोसाइटी का ही डायलमा है कि ये दोनों तरह की शादियां होती है, शादी शादी होती है, आइदर लव हो जाए या अरेंज हो. अच्छा, नॉर्मली इरम आपकी जानिब आएंगे, हम अपनी फैमिली, अपनी सोसाइटी, अपने सोशल एक सर्कल को ऑब्जर्व किया जाए तो बहुत सारी चीज़ें नहीं अच्छी समझ जाती. हम अगर देखें जैसे ताहिरा ने, डॉक्टर ताहिरा ने अभी बात की कि जो आपकी मेंटल कंपैटिबिलिटी है, पेरेंट्स को ये सोचना चाहिए कि हमने नहीं, बच्चे या बच्ची ने ज़िंदगी गुजारनी. देखें, शरई तौर पे इस्लाम में हमें ये हक़ है कि एक दूसरे को जो है लड़का और लड़की आपस में एक दूसरे को जाने, और इसमें कोई बुराई नहीं है. पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चों को एटलीस्ट इतना चांस दें कि वो लोग पहले एक दूसरे को परख सकें, जान सकें. अगर उनका मेंटेलिटी उनकी नहीं मिलती, उनका आपस में एक दूसरे के साथ अटैचमेंट नहीं हो रही या मेंटेलिटी नहीं मिल रही, तो मेरा ख्याल है वो उस चीज़ को उसमें शादी नहीं करनी चाहिए. लेकिन पेरेंट्स को भी कोऑपरेट करना चाहिए, बच्चों को भी कोऑपरेट करना चाहिए, माँ बाप की दुआएं लेनी चाहिए. माँ बाप की दुआओं के बगैर कुछ नहीं होता. यह नहीं कि आप उस पर मर्जी अपनी मुसलत कर दें, पेरेंट्स उन पर मर्जी मुसलत कर दें, लेकिन यह कि पेरेंट बच्चों को जो है पेरेंट्स के मुताबिक चलना चाहिए. पेरेंट्स मतलब उनकी मर्जी लाजमन लेनी चाहिए ताकि आप जो है अगली लाइफ जो है उसमें खुश रह सकें. ठीक है. अच्छा डॉक्टर ताहिरा, अभी हमने पहले भी बात की थी इस टॉपिक पर कि हम मेंटल कंपैटिबिलिटी नहीं देखते. अब चूंकि अगर बच्चों की बात की तो हम, अगर मैं खुद ऑब्जर्व करूं तो बच्चे अक्सर ये सोचते हैं कि हमारे पेरेंट्स के साथ एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, और पेरेंट्स ये सोचते हैं कि हमें अपने मुताबिक करना है. हालांकि जिसने ज़िंदगी गुजारनी है उसके मुताबिक अगर ज़िंदगी और उसके मुताबिक अगर चीज़ें देखी जाएं तो ये ज़्यादा बेहतरीन बात है. बहुत बेहतरीन बात है क्योंकि इरम सॉरी उर्मिला, मैं क्योंकि देख रही होती हूँ कि रोज़ाना जब मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं मैरिटल इश्यूज़ के साथ, ऑनेस्टली मैं सच वाला फीडबैक दे रही हूँ इस वक्त, कि अक्सर मेल हजरात जब आते हैं तो वो कहते ये हैं कि जी शादी क्योंकि पेरेंट्स की पसंद से हुई है,
उसमें कोई इश्यू वाली बात नहीं, पसंद से होनी चाहिए। मेरे ख्याल में पेरेंट्स की ही मर्जी, आपको चाहे आप जैस जौन सी मर्जी टाइप वाली शादी कर रहे हैं, पेरेंट्स की पसंद से हो। मगर मैं अक्सर ये देखती हूँ कि जी बीवी घर वालों के लिए बहुत अच्छी है, एज ए बीवी भी वो बहुत अच्छी है, मगर अक्सर एक बात सुनने में आती है कि जब हम कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, जब हम कोई बात करना चाहते हैं, किसी चीज को डिस्कशन करना चाहते हैं, तो वहां पर पता चल, हाँ, वो मेंटल कंपेटिबिलिटी नहीं आती कि हम इससे बात कर सकें, जिसका रीजन अल्टीमेटली रिजल्ट ये होता है कि एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स बहुत ज्यादा होना शुरू हो जाते हैं लोगों के। और मेरे ख्याल में पेरेंट्स खास तौर पे, हम बिल्कुल ये नहीं कह रहे कि आप भी सिर्फ लव मैरिजेज करें, और मेरे ख्याल में लव मैरिज में भी कोई ऐसा उस तरह से हर ये कोई क्राइटेरिया नहीं है क्या शादी कामयाब होने का कि आपने लव मैरिज किए तो आपकी शादी कामयाब। मगर ऑफकोर्स मैं ये जरूर कहूंगी कि लव मैरिज में, क्योंकि आप जैसे अरेंज मैरिज में पेरेंट्स के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, लव मैरिज में रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा कपल के ऊपर होती है, और उसमें फिर वो ट्राई भी करते हैं उस रिलेशनशिप को बेहतर से बेहतर कर सके, क्योंकि उन्होंने खुद ओन किया होता है उस रिलेशनशिप को, खुद बनाया हुआ होता है, तो उसमें थोड़े से चांस, लेकिन कॉम्प्लिकेशंस ऑफ कोर्स दोनों में होती हैं, दोनों ही चीज़ें बड़ी डिफरेंट होती हैं। जैसे अक्सर लव मैरिज अक्सर लोग कहते हैं कि ये फेल हो जाती हैं, और उसके फेल होने की बजाहरी जो वजूहत हैं वो यही हैं, फैंटेसीज बहुत ज्यादा होती हैं, और लाइफ आफ्टर मैरिज इज कम्प्लीटली डिफरेंट, प्रैक्टिकल लाइफ इज टोटली डिफरेंट। और ये जो शादी से पहले अगर आपके जो भी रिलेशनशिप्स होते हैं, दे आर ऑल फैंटेसीज, आपको एक रियलिटी चेक शादी के बाद मिलता है, और जिसके बाद वही बात ना कि एक्सपेक्टेशंस पे जब कोई पूरा नहीं उतरता तो ये शादी नाकाम होने की एग्जैक्टली बहुत बड़ी वजह भी होती है। और उर्मिला, जैसे देखा ही गया है कि क्योंकि शादी से पहले अगर अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज हो, तो फैमिली की एक्सपेक्टेशंस उस इंसान से बहुत ज्यादा होती है, फिर वो एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती, और लव मैरिज में भी यही होता है कि हमने अगले बंदे को सबस बाग बहुत ज्यादा दिखाए हुए होते हैं। अब वो जब एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं कर पाती तो फिर जो है कॉम्प्लिकेशंस जो है बढ़ना शुरू हो जाती है, और अगला बंदा भी कहना शुरू होता है। बहुत सारे ऐसे इवन लव मैरिजेस मैंने ऐसी देखी हैं, शादी से पहले तो बड़ा टाइम मिलता था, एक दूसरे के साथ बड़ा गपशप होती थी, सब सारा टाइम था, मगर शादी के बाद ऑल टुगेदर चेंज चीजें, टाइम एग्जैक्टली कि वो टाइम जो है वो नहीं मिल पाता उस तरह से। आप चीजों को हमेशा उस सतह पे रखें जो आप कैरी ऑन कर सकते हैं, और मेरे ख्याल में आपके पार्टनर को ये भी समझना चाहिए कि जब आप एक लव मैरिज से या एंगेजमेंट वाले स्नैरियो से आप शादी में जब शिफ्ट होते हैं, तो वो एक नेक्स्ट स्टेज ऑफ योर लाइफ है, रिलेशनशिप का एक नया स्टेज है, जहाँ पे बहुत सारी और मल्टीपल चीजें जो फैक्टर्स भी इसमें इन्वॉल्व होने वाले, तो है ना आजकल के दौर में, हालांकि 21st century चल रही है, बिरादरी बेसिस स्टिल अब तक है, आप लोगों ने बिरादरी में शादी कर देनी है, लेकिन उसके बावजूद जो हमें ये नहीं देखना कि अपनी बच्ची पढ़ी है, लड़का पढ़ा लिखा नहीं है, या अगर लड़का पढ़ा लिखा है तो हमने बच्ची को उस तरह बिरादरी में शादी तो कर देनी है, लेकिन लालची लोग हैं, बिरादरी में शादी तो कर देनी है लेकिन वो आपका क्वालिफिकेशन नहीं है, बिरादरी में शादी तो कर देनी है, मेंटेलिटीज नहीं मिलती, प्यार नहीं है, तो वो फिर रिश्ता नहीं चल सकता। एरम, पता क्या मैंने देखा है कि अक्सर रिलेशनशिप्स जो खासतौर पे लव मैरिजेस वाले जो होते हैं, अक्सर जब इस तरह की इन्फैचुएशन स्टार्ट होती है तो वो 6 months के अंदर अंदर वो रिलेशनशिप खत्म हो जाते हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली हम लोगों को, क्योंकि हम खुद ही नहीं क्लियर होते बेसिकली, तो एक बात ये भी है कि हमें कैसा पार्टनर चाहिए अपनी जिंदगी में। हम कहते हैं जी यहाँ जो माँ बाप हमारे लिए चुन लेंगे वो ठीक है, या जो भी हमें एपरेंटली अच्छा लग गया, जिसकी खूबसूरती ने हमें अपील कर लिया या जिसके स्टेटस ने हमें अपील कर लिया, वही हमारा लाइफ पार्टनर जो है वो अच्छा है। जबकि मुझे लगता है कि आपको सबसे पहले खुद समझने की जरूरत है कि आप अपनी जिंदगी में कैसा लाइफ पार्टनर चाहते हैं। ऑफ कोर्स आपको पता होता है कि आपकी फैमिली डिमांड्स कैसी हैं, आपकी फैमिली किस तरह की, और आपके साथ कौन सा बंदा सूट कर सकता है जो आपकी फैमिली को भी साथ लेके चले और आपको भी साथ लेके चले। तो पहले सबसे पहले अपने साथ एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, मुझे अपने पार्टनर में कौन कौन सी चीजें चाहिए। और एक और चीज जो मैं बहुत कॉमन देखती हूँ कि शुरू के रिलेशनशिप्स जब बन रहे होते हैं तो लोग सवाल नहीं करते, अच्छा बाद में बुरा ना मना जाए, ऐसा ना कुछ हो जाए, बुरा लग जाएगा। सो जब रिलेशनशिप शुरू हो, चाहे वो अरेंज मैरिज वाला सीन हो, यानी एंगेजमेंट वगैरह हो, चाहे वो आपका लव मैरिज वाली कुछ भी हो, तो उसमें क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछने की कोशिश करें, बहुत सारे सवाल जो आपको बॉदर करते हैं वो जरूर पूछा करें, ताकि आपकी क्वेरीज जो है वो सारी अटेंड हो जाए, इस चीज से बाहर आए कि जी उसको बुरा लग जाएगा, उसको अच्छा लगेगा, अच्छा बुरा कुछ नहीं है, ये आपकी लाइफ है और ये लाइफ लॉन्ग डिसीजन है। लॉन्ग डिसीजन है ना, आपने कुछ 4-5 महीने के लिए शादी नहीं करनी, ये आपकी जिंदगी भर का मसला है। आपको एक सूट भी लेना हो तो आप लोग पहले देखते हैं, अपने पर लगा के देखते हैं कि आपको सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा। जहाँ 30-35-50 साल जिंदगी गुजारनी है, नस्लें बनानी है, तो वहां तो मेरा ख्याल है पहले एटलीस्ट आप लोग केयर एक दूसरे को पर रखें। अच्छा, अरेंज मैरिजेस और लव मैरिजेस दोनों की हम बात करेंगे, तो प्रॉब्लम्स तो दोनों शादियों में हैं। हम प्रॉब्लम्स को थोड़ा सा डिस्कस कर लें कि अगर हम अरेंज मैरिज की बात करें, आपकी अरम यू आर मैरिड? यस। अच्छा, क्या अरेंज थी? टोटली अरेंज। टोटली अरेंज,
क्या डिफिकल्टीज हुई आपको शुरू शुरू में? होता है ना कि आप जब एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स होते हैं, जब आप एक घर से दूसरे घर जाते हैं, छोटी बात है या बड़ी बात है, कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं जो आपको पर्सनली लगे हों कि अच्छा इसमें एडजस्टमेंट इश्यूज रहे मुझे? मेरा ख्याल है कि वही मैं बात दोबारा से कहूँगी कि शादी से पहले एक दूसरे को जो, बल्कि फैमिलीज को भी कुछ अरसा आपस में आना जाना और देखना चाहिए कि आपकी मेंटालिटीज मिल रही हैं कि नहीं मिल रही है। अगर आपकी मेंटालिटीज नहीं मिल रही तो मेरा ख्याल है शुरू में ही, चाहे अगर आपके पेरेंट्स भी कह रहे हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब दे देना अच्छा, चाहिए कि नहीं करना, नहीं करना, करना चाहिए, क्योंकि जिंदगी आपने गुजारनी है। आपकी जब मेंटालिटीज ही नहीं मिलती तो आप क्यों शादी करें? कॉलर है जी सना, हम उनको ले लेते। अस्सलाम वालेकुम सना। हेलो, अस्सलाम वालेकुम उर्मिला। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है सना आपका? क्या हाल है उर्मिला? मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक। कुछ कहना चाहेंगी? आज तो टॉपिक बहुत मजे का है, है ना? मजे का हम नहीं, हमारे लिए मजे का, बादशाह लोग नाराज भी हो रहे होंगे। उर्मिला मेरा तो एक राय ये है लव मैरिज के लोगों के बारे में, आजकल लड़कों में गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जिसकी बिना पर मियां बीवी में आपस में जो ताल्लुकात है वो खराब हो जाते हैं। आजकल पता नहीं बच्चों, लड़कों में खासतौर पर गुस्सा इतना क्यों बढ़ गया है? अच्छा, हस्बैंड जी जी बोले बोले सुना। मेरी खुद हस्बैंड के साथ लव भी कह दें और एज भी कह दें, मैं लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैं अपने घर बड़ी ठीक, बड़ी खुश, मेरे बच्चे हैं और मैं बड़ी खुश हूँ। जबरदस्त, अल्लाह आपको हमेशा ऐसे ही खुश रखे सना। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अभी हम आपकी बात को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, अदम बर्दाश्त दोनों पार्टीज में। सना ने तो खैर मर्दों को कहा, हम खवातीन की बात बिल्कुल करेंगे। है, और एक और अदम बर्दाश्त ही नहीं सिर्फ उर्मिला, जो एक और चीज बहुत ज्यादा है, मैं देखती हूँ कि ठीक है बाई समहाउ आप लोगों की शादी होगी किसी भी तरह से, तो फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो रवैयों में बहुत ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि एक एक नई फैमिली में जाके एडजस्ट करना मुश्किल टास्क होता है, और अगर अगर इन लॉज सपोर्टिव ना हो तो फिर वो चीज़ें और भी मुश्किल हो जाती हैं। वो लड़कियां जो कि लव मैरिज करके आती हैं, उनके लिए एक अजीब से चैलेंजेस ये हो जाते हैं कि हर बंदे को उनको अपने आप को अच्छा प्रूव करना पड़ता है, जबकि वो बिल्कुल वैसी ही लड़की है जैसी आप अपने लिए एक बहू जो है वो लेके आ रहे होंगे, तो आप उसको, और जैसे आपके घर में एक अदद बेटी भी है, एग्जैक्टली, और आपके घर बेटी भी है, तो आप उसको ये स्पेस जरूर दें कि वो एटलीस्ट अपनी जगह वहां पे आके बना सके, अपने रवैयों को जो है वो शो भी कर सके, आपकी तरफ पॉजिटिव रिलेशनशिप उसका हो सके, और वो हर वक्त का मुझे ये देखा गया कि वो एक गुनाह का सा, जैसे उसने गुनाह कर लिया हो कि जी उसने लव मैरिज कर ली है तो अब वो सारी जिंदगी कटहरे में रहेगी, लव मैरिज तो गुनाह हो जाता है। हाँ बिल्कुल, इस चीज को हमें माइल्डर करने की जरूरत है कि शादी उसका हर इंसान का हक है, वो अपनी पसंद से करे, ये इस्लाम हुक्म देता है, तो पेरेंट्स की ख्वाहिश जो है वो उसकी इज्जत करना और उसको कबूल करना हम बच्चों पे फर्ज है और जरूर करनी भी चाहिए, मगर पेरेंट्स को थोड़ा सा दिल बड़ा इसलिए करना चाहिए। तो अब वाला जो दौर है ना, इसमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर बच्चे अब रिलक्टेंट हों या आगे से रेजिस्ट करें तो फिर वो बागी हो जाते हैं, और फिर वो ना बच्चा रहता है आपके हाथ में ना आपका कोई इस तरह का मामला। हमने एक बहुत खूबसूरत बात की, बहुत स्ट्रेट अवे आपको इनकार कर देना चाहिए, आपको लग रहा है कि आप इस बंदे के साथ नहीं चल रहे, आई नो कि पेरेंट्स के सामने इनकार करना मुश्किल होता है, मगर वो एक इनकार जो है वो आपकी लाइफ भी बचा सकता है और आपके पेरेंट्स को बहुत सारी परेशानियों से भी बचा सकता है, तो फॉर द लॉन्ग रन आपकी चीजें। अच्छा ये भी एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, सॉरी मुझे कोई ऐसे ऑफेंड ना हो जाए, मुझे तो ये डर पड़ा हुआ। अच्छा देखिए, आप शादी हो जाएगी ना तो अपने आप एडजस्ट कर लेगी, हाँ, ये कोई बात नहीं, चीजें बदल जाती हैं, लोग साथ रहते हैं, सही हो जाता है, एडजस्ट कर लेगी, मतलब ये वाला जो माइंड सेट है ना, ये मेरी समझ से टोटली बाहर बिल्कुल। और इवन मैंने दो तीन दिन पहले एक हॉस्पिटल में एक पेशेंट देखा, तो उसको जी कहा गया कि शादी कर लेगा तो ये ठीक हो जाएगा, और लड़कियों के भी इस तरह के मसाइल होते हैं कि जी वो अगर गुस्सा बहुत ज्यादा कर रही है, लड़ाई बहुत ज्यादा, अगर वो विलिंग भी नहीं है शादी की, कर लेगी तो कोई बात नहीं, कर लेगी तो ठीक हो जाएगा, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बगैर विल के आप इसको नहीं कैरी कर सकते होते अगर, और मेरे ख्याल में शादी होनी भी तभी चाहिए जब आप मेंटली फिजिकली फाइनेंशियली रेडी है इस चीज के लिए। किसी एक दिन हमारा जो लास्ट प्रोग्राम हुआ था उसके ऊपर किसी बंदे ने मुझे कमेंट किया, व्हाई डोंट यू रीइंफोर्स अर्ली मैरिजेस, अर्ली मैरिजेस में हमें कोई हर्ज नहीं है, मगर अफसोस की बात जो है वो ये है कि लड़के अपनी बीवियों का खर्चा उठाने के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, वो अपनी बीवियों को पढ़ाएंगे कैसे, हर इंसान नहीं कर सकता, और फिर एक्सपेक्टेशन ऑफ जहेज जो है वो आप अपना घर बनाने के लिए लड़कियों के पेरेंट्स को तंग कर रहे होते हैं, तो उस लड़की को एजुकेशन और उसकी सारी चीजें किस तरह से हो सकती है। अच्छा डॉक्टर ज़्यादा इंटरप्ट करना होगा, कॉलर है मिसेज अली, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या कहना चाहेंगे मिसेज अली? मुझे बस इतना कहना था कि ये जो आप कह रहे हैं कि घर वालों की मर्जी की शादी हो, पसंद ना पसंद, इससे कोई इफेक्ट नहीं होता आफ्टर मैरिज। अच्छा, आफ्टर मैरिज इफेक्ट करती है लड़के या लड़की के कानों के कच्चा होना, यानी आप किसी की भी बात में आ जाएं, हाँ, आप चाहे वो लड़के की माँ हो या लड़की अपनी माँ की,
वो सही होता है, आप दोनों जब किसी की बात सुन रहे हैं और उस पर अमल कर रहे हैं तब आपकी शादी इफेक्ट होती है। इसलिए आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया, हम इसी को लेकर चलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अच्छा ये भी एक बात है कि हमारे यहाँ जो काउंसलर्स होते हैं ना वो भी बड़ा काम खराब करते हैं, और हम किसी को ब्लेम नहीं कर रहे, वो काउंसलर कोई दोस्त भी हो सकती है, वो कोई माँ भी हो सकती है, कोई खाला भी हो सकती है, हम किसी ससुराल के स्पेसिफिक बंदे को नहीं पॉइंट कर रहे। कुछ समझदार होना चाहिए ना आपको, किसी कानों का कच्चा होना इज अ वेरी बिग मेजर इशू, नहीं चाहिए आपको। बहुत सारी चीजें जो है ना, मैंने पिछले दिन एक केस आया हुआ तो उसने बंदा जो था वो, क्योंकि औरतों की भी बहुत ज्यादा गलतियां होती है, औरतों को बिल्कुल मार्जिन नहीं दे रहे, औरतों की बहुत ज्यादा गलतियां होती हैं क्योंकि शादी के बाद भी उनको लगना भी कुछ इस तरह का चाहिए भी, क्योंकि लड़की एक नए घर में जाती है तो पेरेंट्स पीछे या मदर पीछे रह जाती है, और मदर और डॉटर का रिलेशनशिप बड़ा स्ट्रांग रिलेशनशिप होता है। अब लड़कियों का असूलन ये करना ये चाहिए कि जब उनकी शादियां हो जाएं तो कोशिश करें कि अपने मामला को अपनी हद तक रखें और खुद हैंडल करने की कोशिश करें, अपने घर की छोटी मोटी ईची बीची अपने पेरेंट्स को बता के उनकी इन्वॉल्वमेंट या छोटी छोटी बातों के लिए। अक्सर मैंने देखा है कि पेरेंट्स जो हैं अपने दामाद को या बच्ची के हस्बैंड को जो है बहुत ज्यादा परेशान भी कर रहे होते हैं इस तरह की चीजें। घर में इन्वॉल्वमेंट जो है ना वो मदर्स की खास तौर पे बहुत ज्यादा हो जाती है, बहुत गाइड करना शुरू हो जाती है। जब आपने अपनी बेटी को शादी करके रुखसत कर दिया, आप उसको सपोर्ट जरूर करें मगर उसको थोड़ा सा ये मौका दें कि वो खुद भी अपनी चीजों को हैंडल कर सके, और आप जो चीजें अपनी हर छोटी मोटी बात पीछे अपने फैमिली में बता रहे होते हैं उससे शायद आपके फैमिली वाले या आपका हस्बैंड आपको इतना ओपनली नहीं कह पाता कि जी आप ये क्या कर रहे हो, किस तरह से वो ना गायबाना से आपको चिढ़ भी हो जाती है, exactly. और वो गायबाना चिढ़ जो होती है बड़ी खतरनाक होती है। अच्छा डॉक्टर, वो घर बसते नहीं है, उजड़ते हैं मोस्टली, मैंने देखा है कि वो घर उजड़ते हैं जो लड़कियां अपने मामला घर के मामला एक्सप्लॉइट और जाकर बताती है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर तायरा, बहुत शुक्रिया इरम आपका भी। और आज का टॉपिक हमें किसी को ऑफेंड करना है, किसी एक चीज को इनकरेज करना नहीं, हमने ओवरऑल दोनों जो केसेस हैं उनको स्टडी किया है, उनको उन पे डिस्कशन किया है कि दोनों के जो पर्क्स भी हैं, जो दोनों के प्लस पॉइंट हैं नेगेटिव पॉइंट्स हैं वो सामने हो। हम ये नहीं कह रहे कि पेरेंट्स के अगेंस्ट जाएं, या हमारा ये कि बैलेंस के साथ पेरेंट्स भी अंडरस्टैंड करें और बच्चे भी अंडरस्टैंडिंग का एक सबूत दें कि ठीक है वालिदैन की पसंद भी एक इम्पॉर्टेंट रोल रखती है, लेकिन दोनों अगर साथ में मिलकर एक म्यूचुअल डिसीजन लें तो ये एक बेहतरीन शादी जो कह सकते हैं वो हो सकती है। अभी हम ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, हमारे पास और भी टॉपिक है जिस पर हमने डिस्कशन करनी है। आप देखते रहिए जागो लाहौर।